भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह इन दिनों अपनी वाइफ हेजल और अपने बेटे के साथ हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। वहीं क्रिकेट से ज्यादा युवराज अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं शादी से पहले क्रिकेटर का नाम कई सारी हसीनाओं के साथ भी जोड़ा जा चुका है। वहीं अब एक पॉडकास्ट के दौरान युवराज ने अपने पुराने अफेयर का एक मजेदार किस्सा शेयर किया है। जी हाँ, युवराज ने बताया कि साल 2007 और 8 में जब वे ऑस्ट्रेलिया टूर पर थे तब वे एक एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे, लेकिन काम पर फोकस करने की वजह से वे उनसे ब्रेकअप करना चाहते थे। युवराज कहते हैं कि मैंने उससे कहा, सुनो, हम कुछ टाइम तक नहीं मिलते हैं क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर हूँ और मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ। वहीं युवराज आगे कहते हैं कि मैं उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस वक्त वो अपने करियर में बढ़िया कर रही है और वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। वहीं युवराज कहते हैं कि वे ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में शूटिंग कर रही थी, वो बस में मेरे पीछे टेस्ट के बीच में कैनबरा आ गई और मैं उस वक्त ज्यादा रन नहीं बना पाया। मैंने उनसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उस पर वो बोली कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर हम रात को मिले और हमने बातें की। उस दौरान मैंने उनसे कहा कि आप अपने करियर पर फोकस करो और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हूँ और आपको तो पता है कि इसका क्या मतलब है। वहीं सुबह हम कैनबरा से एडिलेड जाने वाले थे और उन्होंने मेरा बैग पैक किया। युवराज आगे कहते हैं कि रात को ही हमारे सारे बैग चले गए थे और अगली सुबह जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे जूते कहाँ हैं तो एक्ट्रेस ने कहा कि शायद मैंने उसे बैग में पैक कर दिया है। वहीं 10 मिनट में हमारी बस आने वाली थी और मैंने उनसे कहा कि अब मैं कैसे जाऊंगा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि तुम मेरे जूते पहन लो। उनके पास पिंक कलर के स्लिप ऑन थी। फिर मैंने सोचा कि होटल से बस और एयरपोर्ट से एडिलेड तक तो मैं नंगे पैर नहीं जा सकता, इस वजह से मैंने उनके पिंक कलर के स्लिप ऑन जूते पहने जो कि 8 नंबर की थी और मेरा साइज 11 था। मैं बैग को आगे करके चल रहा था ताकि किसी की भी नजर मेरे जूतों पर ना जाए, मगर लड़कों ने मुझे देख लिया और बस में चढ़ते ही सभी लोग तालियां बजाने लगे। उसके बाद मैं एयरपोर्ट तक वही पिंक कलर की स्लिप ऑन में गया। वहीं युवराज के इस इंटरव्यू के बाद लोगों ने अब ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि कहीं वे एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण तो नहीं, क्योंकि फिल्म बचनाए हसीनों साल 2008 में रिलीज हुई थी जिसकी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और उस समय युवराज संग दीपिका के रिश्ते की अफवाहें जोरों पर थी। वहीं चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा, इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।